गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुशील शर्मा बिना वाटिका चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और बादल भी हो रहे हैं। पिछले साल मैंने ग्रीन प्याज लगाए थे, ग्रीन ऑनियन लगाया था, हरे प्याज, और बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था। मैं तो सोचा क्यों ना आज उसी के बारे में आपको शेयर करूं। तो ये ग्रीन ऑनियन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में बिना वाटिका चैनल पर। दोस्तों, ये है प्याज, सिंपल प्याज, सादा प्याज जिसको कहते हैं हम, वो प्याज अपन लेके आया हूँ। और इससे हम किस तरीके से ग्रीन ऑनियन को डेवलप करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरीके से बनाइए। वैसे प्याज जो है तीन तरीके से हम लगा सकते हैं, बीज से, सीड जो होते हैं उनसे लेके आते हैं। दूसरा, हम इसको अपना बाज़ार से हरा प्याज होता है उसको कटिंग करके और वापस उसमें लगा देते हैं तो वो वापस स्प्राउटिंग हो जाता है। और तीसरा प्रोसेस ये होता है कि हम प्याज बाज़ार से लेके आएँ और उसको हम लगाएं। लेकिन बाज़ार से जो हम प्याज लाएंगे उसमें दोस्तों आप ये देखिए कि ये जो ग्रीन इसकी लीव्स निकली हुई हैं इसके अंदर ग्रीन लीव्स, ऐसे प्याज आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। और नहीं भी मिलें तो कोई खास इसमें चिंता वाली बात नहीं है। अपन इसको लेकर के इसका भी प्रोसेस बताता हूँ अपन किस तरीके से स्प्राउटिंग कर सकते हैं इसको। ये दोस्तों, ये प्याज है मेरा और इसको अपन ने इस कोकोपीट के अंदर हमने इसके अंदर दबा के रख देना। ये देखिए, ये गीला है कोकोपीट थोड़ा सा, तो हमने इस तरीके से इसको रख दिया और इसको हमने ऐसे ढक देंगे। और ढकने के बाद में इसको 4 या 5 दिन तक हम इसको पड़ा रहने देंगे, थोड़ी सी नमी बनी रहेगी और ये स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। इससे ऐसे ही मैंने 5 दिन पहले जो प्याज तैयार किए थे वो मैंने काफी तैयार किए थे, वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वो निकले उनके स्प्राउटिंग। ये भी उसी के अंदर से था, तो मैं उसको अब किस तरीके से लगाएंगे अपन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये हरे प्याज मैंने कोकोपीट के अंदर 4-5 दिन पहले रखे थे। तो 5-6 दिन के अंदर इनकी देखिए कितनी बढ़िया इनकी ग्रोथ हो रही है, कितना बढ़िया इनकी स्प्राउटिंग हो गई है और ये बहुत ही बढ़िया हो जाते हैं इसके अंदर आप लगाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि कभी भी आप प्याज लाएंगे, मान लो बाजार से आप लाते हैं तो ऑनियन जो होगा मान लो इस तरीके से आपको मिलता है। देखिए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि इसको प्याज को इस कोकोपीट को हमेशा ऐसे दबा के रखना नमी मिलती रहे। जितनी नमी इसको अच्छी मिलेगी उतनी ही ये स्प्राउटिंग बहुत बढ़िया होगी। तो कोकोपीट में नमी बनी रहे, पानी नहीं है, स्टैग्नेंट पानी मत करना, नमी बनी रहनी चाहिए तो ये बहुत जल्दी स्प्राउट होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों किस तरीके से हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे, किस तरीके से हम इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां करनी है। चलिए मैं आपको इसको लगाना दिखाता हूँ। दोस्तों, इसकी सॉइल तैयार करने के लिए खास ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कुल क्वांटिटी के अंदर कोकोपीट, बजरी और गार्डन सॉइल मिला लेंगे। अब इसके अंदर आती है खास चीज, ये है इसके अंदर हमारा एंटी फंगल पाउडर जिसको हम केयर की ब्रांड के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये नहीं मिले बाजार के अंदर तो मैंने लिंक दे रखा है। ये एफ्टर एंटी फंगल, ये एफ्सम सॉल्ट और ये हमारा हार्मोन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हम मिलाते हैं। एंटी फंगल इसलिए क्योंकि ये प्याज है, इसके अंदर हमारा रूटिंग होता है, गांठ होती है, तो उसके अंदर फंगस लगने का रहता है। फंगस नहीं लगे इसलिए हम डालते हैं थोड़ा सा, आधा सा चम्मच डालेंगे मिट्टी के अंदर। ये ग्रीन कलर का होता है, ये देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा एफ्सम सॉल्ट भी दे देंगे ताकि इसकी सॉइल को हम थोड़ा सा हेल्दी कर दें, वो भी 1 चम्मच के आसपास में कैरेट के हिसाब से। और इसके साथ ही ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पाउडर है, ये देखिए पाउडर हर्बल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम थोड़ा सा इस हेल्दी सॉइल बनाने के लिए हम इसको डाल देते हैं ताकि इसकी सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाए। और जितनी अच्छी इसकी हेल्थ होगी उतना ही अच्छा इसके अंदर आएगा। और हम इसके अंदर थोड़ा सा हम अगर कॉम्पोस्ट शेवर में कॉम्पोस्ट मिल जाए तो वो मिला दें, बस इससे ज़्यादा हमने और कुछ नहीं करना इसके अंदर। और पानी को खास ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पानी इसके अंदर स्टैग्नेंट ना रहे। मिट्टी हमारी सॉइल जितनी अच्छी इसके अंदर वेल ड्रेन्ड होने की उतना ही अच्छा हमारा प्याज का ग्रोथ होगी, इसको नमी चाहिए, तो इसका आप खास ध्यान रखिए। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम प्याज लगाएंगे, इसको प्रोसेस अपन करेंगे। अच्छा वही होता है कि अपन पहले से प्लानिंग कर लें। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े मैंने इसके अंदर ये इस तरीके से मैं होल कर देता हूँ, ये पास पास थोड़े से होल, ये देखिए जिससे हमारे को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, होल इतना ही कीजिए जिससे उसका हेड अंदर नहीं दबे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये प्याज है, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। अब इसमें खास चीज़ आप ये देखना, ये देखिए, ये इसके रूट्स हैं और ये इसका अपना शूटिंग एरिया, यहाँ से हमारा ये इसकी रूट वो निकलेगी, हमारी ये हरा प्याज के पत्ते निकलेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं लगाना, इसको हमने इस तरीके से लगाना है। ये खास ध्यान रखते हैं, कहीं आप इसको उल्टा लगा दें और ये यहाँ से निकले ये गलत हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लगाना है हमने, ये देखिए, मैं थोड़ा सा होल इसका बड़ा कर देता हूँ क्योंकि प्याज बड़ा है। ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर इतना ही हमारे को डेप्थ चाहिए। अगर हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ ये लगा दें
ताकि ये चीज़ है इसके बाहर निकल जाए। अब इसको हम यहाँ से मिट्टी से इसको हल्का हल्का प्रेस करके और दबा देना है। इस तरीके से आप बाकी प्याज भी लगा देंगे और ये धीरे से अपने रूट्स पकड़ लेंगे मिट्टी के अंदर हमेशा, क्योंकि हमने कॉकोपीट मिला रखा है तो वेल ड्रेन मिट्टी है हमारी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ऐसे ही बाकी प्याज भी लगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर ये प्याज लगा दिए हैं, बिल्कुल ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको अपन किसी भी अपने नॉर्मल लाइट के अंदर अपन इसको रखेंगे, कोई ज़्यादा इसको वो नहीं है क्योंकि सर्दी का मौसम है, इससे धूप में तेज़ी नहीं होती, इसको धूप के अंदर तो रखना ही है हमारे को। हाँ तो दोस्तों प्याज के परांठे खाने के लिए प्याज आपके तैयार लगा दिया मैंने। अब एक महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर ये करीबन तैयार हो जाएगा। और इसको हमें हल्का हल्का पानी एक बार ही दे देना और इसको पानी आप जो है नॉर्मल दीजिए सुबह शाम, सुबह ही देने के क्योंकि सर्दी है इसलिए पानी उड़ेगा नहीं इसके अंदर, और 15-20 दिन के अंदर ये तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए आप कितने अच्छे आपकी ग्रोथ होगी एक 15-20 दिन के अंदर ही, तो आप एंजॉय कीजिए। और इसी जानकारी के साथ दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर नए वीडियो के अंदर नई किसी जानकारी के अंदर आपसे मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, मैं सुशील सरना विनय वाटिका।